अब अगर वो शक्ति जो ईश्वर का रूप है, ईश्वर के आदेश पे, ईश्वर के निर्देश पे, ईश्वर की आज्ञा से ही मुझे उत्तर देती है, ऐसी शक्ति ईश्वर का अंश है, तो निश्चित रूप से इसमें मेरा कुछ भला होगा। कि अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मैंने ईश्वर के पास बैठ के अपना भाग्य लिखवाया है। यदि मुझे दोबारा इस संसार में आने का मौका मिले तब भी मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसी ही मालिक कुछ सेवा दे। मजाई भी हुई, खेती भी करवाई, गोबर भी ढलवाया, चारा भी कटवाया, सब कुछ करवाया और शिखर भी दिखाया और उसके बाद अध्यात्म में ले आए, तो कोई भ्रम नहीं है, सब कुछ दिखा दिया। झूठा संसार है, काल्पनिक संसार है, एक ऐसा संसार जो है ही नहीं। जब हमारी सांसें मुकम्मल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, हम ले लेंगे, उसके बाद आप सारी दुनिया की दौलत दे के कहें कि मुझे एक सांस मिल जाए तो नहीं मिलेगी, इतनी महंगी है ये। मुझे जाग आई तो यू टर्न लग गया और अब उस राह पे मैं अग्रसर हूं। हम किसी का बुरा करके अपना भला कर ही नहीं सकते। अगर हमें अपना भला चाहिए तो हमें किसी और का भला करना होगा, यह कुदरत का इटरनल नियम है। ये जो रास्ता है इसके रास्ते में भी और आगे एंड में भी प्रकाश ही प्रकाश है। ये रास्ता आसान तो नहीं है लेकिन अल्टीमेट है। कई बार बहुत सारे जन्म गुजर जाते हैं, हमें इतनी बात भी पता नहीं चलती है। तो ये मेरा अहोभाग्य था, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ये बात पकड़ में आई और मैं इस राह पे चल पड़ा। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल, और कैसे उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मुझे लिखित रूप में संदेश भेजे, इसके ऊपर पूरा हमारा रब भगवान से मेरी बातें, उसमें बहुत सारे एपिसोड्स इसी बात पे हैं, इन्हीं तथ्यों पे हैं जो मेरे साथ घटा, जो लिखित रूप में मुझे संदेश आए, कैसे उन्होंने हमारे चित्र खींचे हमारे मोबाइल के साथ अदृश्य शक्ति, और कैसे हमें हंसाया, कैसे मेरे सारे सवालों के जवाब देते हुए मेरे जीवन का कायाकल्प किया, और कैसे मुझे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित भी किया, प्रेरित भी किया, मेरा मार्गदर्शन किया। बस ये इतनी सी कहानी है। अभी भी कुछ बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, जैसे मैं एक फिल्म का जिक्र करता रहता हूँ, शहादत, जिसमें एक ही फिल्म में 8 के करीब फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे आइडियाज़ है, ऐसा ईश्वर ने वो भी एक तरह से ऑटो राइटिंग में मुझसे लिखवाई है। और गुरु पिता ओंकारा जी महाराज मुझे बार बार कहे चित्रकार शुरू कर, एक वो और एक दो फिल्में और हैं, और गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि काम शुरू कर, ये ज़रूर चित्र बनाना बेटा। अब अगर वो शक्ति जो ईश्वर का रूप है, ईश्वर के आदेश पे, ईश्वर के निर्देश पे, ईश्वर की आज्ञा से ही मुझे उत्तर देती है, ऐसी शक्ति ईश्वर का अंश है, तो निश्चित रूप से इसमें मेरा कुछ भला होगा। तो ये तो आप सीरीज देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं इसको अपना भाग्य मानता हूँ, और मैं कई बार ये कहता हूँ जब कभी विद्वान मित्रों से डिस्कशन होती है कि अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मैंने ईश्वर के पास बैठ के अपना भाग्य लिखवाया है। यदि मुझे दोबारा इस संसार में आने का मौका मिले तब भी मैं चाहूँगा कि मुझे ऐसी ही मालिक कुछ सेवा दे, ऐसा ही जीवन दे। मजाई भी हुई, खेती भी करवाई, गोबर भी ढलवाया, चारा भी कटवाया, सब कुछ करवाया और शिखर भी दिखाया और उसके बाद अध्यात्म में ले आए, तो कोई भ्रम नहीं है, सब कुछ दिखा दिया, सब तजुर्बे अनुभव करवा दिए और उसके बाद ले आए कि बेटा ये जीवन का मकसद नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरा कायाकल्प हुआ, मेरा मोह भंग हुआ कि हम लोग फिल्में बनाते हैं, सब कुछ कल्पित होता है, आमतौर पर सीरियल्स बनाते हैं, कल्पित होता है। तो हमको तो पैसे मिलते हैं, नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, प्रोड्यूसर भी पैसे कमाते हैं, डायरेक्टर भी, सारी टीम पैसे कमाती है, लेकिन आम लोग उसको एंटरटेनमेंट समझते हैं, जैसे आज भी लोग टीवी के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि आपका समय जा रहा है, भागा जा रहा है, ज़ाया हो रहा है, कितना देखेंगे हम लोग। रोज़ रंग रोगन लगा के, किराए के कपड़े पहन के कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं और किसी के लिखे हुए संवाद बोलते थे। झूठा संसार है, काल्पनिक संसार है, एक ऐसा संसार जो है ही नहीं।
लेकिन तमाम लोग उसके लिए पैसे दे के देखने जाते हैं, उनको लगता है ये हमारा मनोरंजन है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो हमारी सांसें हैं ये कितनी कीमती हैं। जब हमारी सांसें मुकम्मल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, हम ले लेंगे, उसके बाद आप सारी दुनिया की दौलत दे के कहें कि मुझे एक सांस मिल जाए तो नहीं मिलेगी, इतनी महंगी हैं। और हम उन्हें किन चीज़ों पर ज़ाया करते हैं? फजूल पे, बकवास पे, निंदा चुगली पे, फजूल की टाइम पास जो कहते हैं बातों पे, ये सीरियल देखने पे, उनकी चर्चा करने पे, बस इसी में, झगड़ों में, बहस में, गाली गलौज में हम इसी में अपना समय निकाल देते हैं, सांसें अपनी व्यर्थ गवा देते हैं। तो हमारा उतना ही समय सार्थक है, उतनी ही सांसें सार्थक हैं जो उस ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड की याद में गुजारी जाएं, उसका नाम जपते हुए, उसकी उस्तत, उसकी तारीफ करते हुए गुजारी जाएं, वही सार्थक हैं। भक्ति करते हुए, नाम जपते हुए गुजारी जाएं। ये मुझे जाग आई तो यू टर्न लग गया और अब उस राह पे मैं अग्रसर हूँ। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उसे अल्लाह वाहेगुरु गॉड आप जो भी कहें, मेरा रोम रोम उस ईश्वर का ऋणी है, उस मालिक का ऋणी है, हमेशा ऋणी रहेगा, कर्जदार रहूँगा उस मालिक का मैं, कि उसने इतनी बड़ी दया करके मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे अपने नाम का पल्ला पकड़ाया और ये योग्यता दी कि चैनल के माध्यम से आज्ञा भी दी कि मैं और लोगों के साथ में अपने अनुभव शेयर कर सकूं, जो मुझे वो बुलवाते हैं वो बोल के उन तक पहुंचा सकूं और प्रयास कर सकूं कि उनका भी जीवन बदले। अगर उनका जीवन बदलेगा तो मैं महापुण्य का हकदार हो जाऊंगा। हम किसी का बुरा करके अपना भला कर ही नहीं सकते। अगर हमें अपना भला चाहिए तो हमें किसी और का भला करना होगा, यह कुदरत का इटरनल नियम है। तो भला करना शुरू करिए, नाम जपना शुरू करिए, भक्ति करना शुरू करिए, नेक बनिए, दया करिए, ईश्वर का नाम जपिए और सुनिए। 3 से 6 सुबह सबसे बढ़िया टाइम है। तो ये मेरे जीवन का मैंने ब्रीफ आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सदमा पहुंचा, भी मुझे बहुत सारे सीरियल्स मैंने छोड़े हैं, बहुत सारी पंजाबी की फिल्में छोड़ी हैं, टू द एक्सटेंट कि एक डायरेक्टर ने मुझसे पूछ लिया आखिर कि आप कैसा रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये कहता मुझे रोल पसंद नहीं आया, मुझे किरदार पसंद नहीं आया। तो उसने कैसा किरदार करना चाहते हैं, तो मैंने कहा एक फिल्म है, अगर मैं बना पाया, उसका टाइटल शहादत है, हो सकता हम रखें शहादत या कत्ल, अगर वो फिल्म मैं बना पाया तो आप उसको देख लेना, यह मैं आपको दिखा दूंगा, मैं इस तरह का कोई किरदार करना चाहता था। सीरियल्स इतने सारे आते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो झूठी दुनिया। मैं कहीं ना कहीं डरता भी हूँ कि पहले मेरी मजबूरी थी, मुझे ज्ञान भी नहीं था, ये अभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया हूँ, लेकिन ये इतना भी ज्ञान नहीं था कि भाई कहाँ जा रहा है, ये तो ऐसा रास्ता है जिसके आगे एंड में अंधकार ही अंधकार है, ये जो रास्ता है इसके रास्ते में भी और आगे एंड में भी प्रकाश ही प्रकाश है। गुरबाणी में आता जय पैंडे वहां अंध गुबारा, हरि का नाम संगी उजियारा, जिस राह में भयानक अंधकार है हरि का नाम टॉर्च बन जाएगा, रोशनी बन जाएगा, उजाला बन जाएगा, मार्गदर्शक बन जाएगा। जिथे अवगढ़ गलियां पीढ़ियां, तिथे हर हर लय छुड़ाए, जहां भयानक तंग गलियां हैं, खतरनाक गलियां हैं, अवगढ़ तिथे हर हर लय छुड़ाए, वहां हरि नाम आपकी आपको छुड़वा लेगा, आपकी जमानत दे देगा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है एक एपिसोड में, अदालत में, पुलिस स्टेशन में कोई जमानत दे देता है, छुड़वा लेता है, हरि का नाम आपको छुड़वा लेगा, बचा लेगा, यमदूतों से छुड़वा लेगा। तो ये बातें समझ में आई और मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि भाई मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक इतने बड़े बड़े महाज्ञाता इस संसार में हुए हैं, अवतार हुए हैं, गुरु हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, आप जरा उनको पढ़िए। अगर किसी को लगता हो कि वो उनसे ज्यादा बड़ा ज्ञाता है, ज्ञानी है, दृष्टा है, तो फिर जो आप करते हैं करते रहिए, खूब माया में डुबकियां लगाइए, इस मायावी संसार में खूब उलझे रहिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आपको लगे कि हमारी उनके सामने क्या औकात है, तो उनका कहना मानने का प्रयास करिए, हमारा काम हो गया, हमारे जीवन का कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। बस मैंने यही किया है, यही करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम नेक बने, दयालु बने, दया करें, पुनदान करें, ईश्वर का नाम जपें, जपाएं, सुने, रात को रिपीट पर लगा के सोएं, गरीबों पर दया करें, नेक बने,
नशाखोरी से, मांसाहार से बचें, निंदा चुगली से बचें, व्यभिचार से बचें, किसी का बुरा करने से बचें। जितने सदकर्म कर सकते हैं वो करें तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम जीते जी मुक्त होके जाएंगे। तो अब मैं इस राह पे अग्रसर हूं, यही मकसद है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई। ये रास्ता आसान तो नहीं है लेकिन अल्टीमेट है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितने भी वीडियोस मुझे वहां से हुक्म आता है, मैं यहां के बैठ जाता हूं, वो मुझे बुलवाते हैं, मैं बोलता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे धन गुरु नानक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं, उनका जीवन का कायाकल्प हो रहा है और हो गया है, लाइलाज बीमारियां खत्म हो गई हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हूं। और वो मायावी दुनिया छोड़ के ये जो असल दुनिया है जहां पर हमने जाना है और जो हमारा ध्येय, जो मकसद है। कई बार बहुत सारे जन्म गुजर जाते हैं, हमें इतनी बात भी पता नहीं चलती है। तो ये मेरा अहोभाग्य था, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ये बात पकड़ में आई और मैं इस राह पे चल पड़ा। तो मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, जो भी लोग जिनके पीछे कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, जिनको जाग आ रही है या जिनके दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, आप भी सोचिएगा इसके बारे में। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, देखिएगा हमारे चैनल पे। और अगर आपको भी लगे दैट वट एवर आई हैव बीन सेइंग इट मेक सेंस, तो फिर धीरे धीरे आप भी इस अध्यात्म की राह पे चलने का प्रयास करिए। रंग लागत 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 है, आप हैरान होते चले जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे, मौत का भय नहीं रहेगा, सब अपने लगने लग जाएंगे, सारा संसार, सारी सृष्टि। और जो उसकी शरण में चला जाता है उसे वो अभय दान देता है, रक्षा करता है, रक्षा कवच प्रदान करता है, फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों ने जो हमें बर्बाद कर रखा है, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे, ये पंच जो बिखादी हैं, ये पांच ये हमें टिकने नहीं देते हैं। तो वो माया का संसार था, वैसे भी माया चारों तरफ है, माया के बड़े रूप हैं, लेकिन बाह पकड़ गुरु काढ़िया की ना अपने आ, गुरु ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु अल्लाह गॉड ने मेरी बाह पकड़ के मुझे बाहर निकाल लिया। और कमाल कर दी, कैसे निकाला मुझे संभव नहीं लगता था। वैसी मायावी नगरी, ऐसी चकाचौंध वाली नगरी है, और खास करके जब मैं उसमें पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में था और उस वक्त पीक पे मेरे बहुत सारे सीरियल चलते थे, फिल्में थी, वहां से मुझे निकाला बाह पकड़ के उस मालिक ने दया करके मेरे ऊपर कि बेटा इधर आ, यहां डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आगे हिसाब देना पड़ेगा, अंधकार की तरफ जा रहा है तू। तो मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि अगर ईश्वर ने कृपा ना की होती, मेरा पीछे बोया हुआ कुछ अंकुरित ना होता, मुझे जाग ना आती, तो मैं सारा जीवन अंधेरे में जीता, अंधेरे में सारे काम करता, अंधेरे में मर जाता, इस संसार से चला जाता और आगे फिर इस 84 के कुचक्र में फंसा रहता, डिमोशन करवा के जाता। जब आप व्यभिचार करेंगे, मांसाहार करेंगे, दारू पियेंगे, पार्टियां करेंगे, ईश्वर का नाम याद नहीं करेंगे, निंदा चुगली और दुनिया भर की खुराफात करेंगे, तो फिर डिमोशन सुनिश्चित है, प्रमोशन नहीं होगा। यानी जहां हम हैं आज, अगली बार आएंगे तो इससे नीचे, जितना ज्यादा आपने खुराफात की है उतना ही ज्यादा नीचे जाएंगे। क्योंकि तपोराज और राजो नरक, तो जो भी हम कर्म करके आए थे उस कर्म के हिसाब से आज हमारा जीवन है, और अब जो हम कर्म करेंगे इसके हिसाब से हमारा अगला जीवन होगा। तो डर गया, भाग खड़ा हुआ, क्या हो भाई, बहुत देर हो गई है, जितनी ज्यादा नेक कमाई कर लें, ईश्वर का नाम जप लें, लोगों को जपा लें, महापुण्य कमा लें, यहां से प्रमोशन करवा के जाएं। तमन्ना है, कोशिश है कि मरने से पहले मुक्त हो जाएं, ईश्वर का रूप हो जाएं, उसके अंदर समा जाएं, ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है। बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, प्रयासरत हूं, लगा हुआ हूं, बाकी उस मालिक के हाथ में है। तो ये मैंने ब्रीफली आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अब क्या करता हूं, यही क्यों आया बताया। आपको भी अगर बात समझ में आए
आज से शुरू करिए। देखिए वीडियोस, सवाल हो तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे हमारे नंबर एंड में दिए रहते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, हमें वहाँ से आपका जवाब आएगा तो निश्चित रूप से हम आपको जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों को जवाब मिला है और वो बहुत संतुष्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन का कायाकल्प हुआ। वीडियोज़ देखिए, फिल्म देखिए, गुरबाणी के कौतक, गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार, देखिए कैसे लोगों का जीवन बदला है। जो लोग बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, देहात में रहते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप उनको बताया, गरीबी चली गई, रोग चले गए, क्लेश चला गया, कर्ज उतर गए, आनंद में हैं, दृष्टियां आ गई। वो लोग वाहेगुरु 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 बस हर वक्त यही करते हैं। गया प्रसाद उनका नाम है, उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वो खुद ही बताते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ, किसी दुविधा में मत रहें। ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि अरे किसने देखा है, फिजूल की बातें हैं। नहीं, जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है। जो ब्रह्मज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने हमारे भले के लिए, मानवता के भले के लिए सब कुछ बताया है, खोल खोल के बताया है, समझाया है। उनका और कोई मकसद नहीं था पैसे का, तो उनकी नज़र में ये दुनियावी चीज़ों का तो उनकी नज़र में कोई महत्व ही नहीं रहता है। एक ही महत्व रहता, भला। भला कैसे किया जाए, पूरी मानवता का भला कैसे किया जाए। तो हमारे भले के लिए वो सब कुछ बता गए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमको लिखित रूप में मिल जाता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हो, चाहे वो कबीरदास जी की वाणी है, भक्त नामदेव जी की वाणी है, शेख फरीद जी महाराज की वाणी है, भक्त रविदास जी महाराज की वाणी है, ऐसे और तमाम भक्त हैं, गीता है, रामायण है, हमारा सबका सौभाग्य है, शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं। लेकिन हम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो ऐसी चूहा दौड़ में लगे हुए हैं, बस दौड़ते दौड़ते ही खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं रोते बिलखते, सिर पटकते हुए। गिलास आधा खाली है, गिलास आधा खाली है, लेकिन जब इस राह पे चलेंगे अध्यात्म की, तो वही गिलास आपको आधा भरा दिखाई देने लग जाएगा, आप आनंद में आ जाएंगे, मुस्कुराने लग जाएंगे, हंसने लग जाएंगे, क्योंकि सब कुछ सुनिश्चित है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।